राजस्थान के अलवर में भाजपा के नेताओं ने बैठक की। अब अलवर में आगे की तैयारी पर जोर दिया जाएगा। भाजपा अलवर दक्षिण के जिला पदाधिकारियों की गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें बूथ समिति, शक्ति केंद्र एवं मंडल सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की गई। वहीं चार राज्यों के आए परिणाम को लेकर भाजपा के नेताओं ने वहां की जनता का आभार जताया। जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने कहा कि चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम वाले जनादेश का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश चार प्रदेशों का जो निर्णय आया है चुनावों का, उसमें उस निर्णय में जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में वहाँ पर जिस तरह से जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर और आदरणीय योगी जी पर जो विश्वास किया है, डबल इंजन की जो सरकार वहाँ पर चली है, जिस तरह से जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनकल्याण की दी थी, उन कल्याण जनकल्याण की योजनाओं के साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी अपनी तरफ से, स्वयं की तरफ से भी जो योजनाएँ चला रखी थी, उन सारी योजनाओं का फायदा जिस तरह से जनता आम व्यक्ति को और अंतिम छोर तक मिला है, उसका परिणाम आज यूपी में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई है। मैं इन चारों स्टेटों की जो सरकार बनाई है, सभी जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी तन्मयता लगाकर सब कुछ कर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है, उसकी सब लोग यहाँ पर आज मिठाई बांटकर खुशी मनाई है, और कल भी सभी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी खुशी मनाई थी। आज इस जिला बैठक पदाधिकारियों की बैठक में तय किया जा रहा है कि जो शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी बनाने की संरचना है, या मंडल के प्रभारी बनाने की संरचना है, बूथ समितियों की फोटो बूथ समिति बनाने की बात है, पन्ना प्रमुख का की नियुक्तियों की बात है, जिसमें जिला कार्य समिति की बैठक होने वाली है दो चरणों में। प्रथम चरण में शक्ति केंद्र के संयोजक और प्रभारियों की बैठक होगी, और द्वितीय चरण में मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों की बैठक होगी। यह बैठकें राष्ट्रीय पदाधिकारी जी और प्रदेश पदाधिकारी जी के माध्यम से ली जाएंगी, जिसकी तैयारी चल रही है। साथ में ही हमारा जो अलवर जिले का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय संपूर्ण हो रहा है, उसका भी लोकार्पण उद्घाटन आदरणीय हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जल्द ही इसी माह में होने की संभावना है। तो हम सब लोगों को उन सब तैयारियों के लिए आज बैठक कर रहे हैं, और पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को और उन प्रदेशवासियों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा है, उन सबको मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, अलवर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ।